आज हम बनाएंगे नई मिठाइयाँ दोस्तों, जिसके लिए हमने लिए है एक प्याला, एक कप मूंगफली दाने, और ये हम सेकेंगे। तो हमने गैस भी ऑन कर रखी है, ये हमने गैस ऑन कर रखी है और कढ़ाई भी हमारी रखी है गैस पर। हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे मूंगफली दाने को, और साथ ही हमने वीडियो पूरी देखना दोस्तों, ये बहुत नई रेसिपी है और नई मिठाइयाँ हैं, यमी और बहुत इजीली बन जाती है। तो इसको सेकेंगे हम चलाते हुए, और हमारे मूंगफली दाने इस तरीके से सॉर्ट आउट हो गए। इसको कम आंच में सेके उस तरीके से, और ये एकदम नई रेसिपी है दोस्तों मूंगफली दाने की। इसमें और भी मिलाएंगे कुछ कुछ, आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे हम क्या क्या मिलाएंगे। ये सीख गए हैं अच्छे, और हम इनको उतार लेंगे। हमारे दाने सीख गए, हम हमारे दाने को इस तरीके से निकाल लेंगे। इसको क्या खलबत्ता बोलते हैं ना, खलबत्ते में निकाल लेंगे, और इसमें इसके छिलका निकाल लेंगे। मिक्सर से भी निकाल सकते हैं, हाथ से भी मिक्स करके निकाल सकते हैं। और इसका हम दाना निकाल लेंगे, तो हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे, और हल्का सा इसका एक दो टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़ों में ये हो जाएंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना हमें, सिर्फ इसके छिलके निकालने, कहीं कहीं के, कहीं के रह भी जाने दीजिए। और ये इस तरीके से हो गया, देखो इसके छिलके अब हम इसको साफ करेंगे। इस तरीके से हमारा दाना हो गया है, ये देखिए। साथ ही में लेंगे दोस्तों एक कप फुटाने बोलते हैं इसको, मतलब भुने हुए चने हैं ये, इसको हम फुटाने बोलते हैं दोस्तों। आप क्या बोलते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हमने एक कप हमारे फुटाने ले लिए भुने चने, और गुड़ भी लिया है दोस्तों हमने। ये गुड़ की मात्रा और ये जो चीज़ों बना रहे हैं हम नई रेसिपी, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, लेकिन हम चार जने के मिठाई ये बना रहे हैं तो हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो हम गैस की ओर चलते हैं, हमने गैस ऑन कर ली है, और ये हमारी कढ़ाई अभी तप चुकी है। तो इसमें आधा गुड़ डालना है, सब लेंगे इतना इतना ऊपर, आज 100 ग्राम के करीब गुड़ डाल दीजिए। तो हमारा गुड़ ये हो गया है, इसको हम पकाएंगे गुड़ को। गुड़ पानी छोड़ता है दोस्तों, जैसे ही गलता है आँच लगती है इसमें, और ये पानी छोड़ता है, ये इस तरीके से पानी छोड़ता है गुड़। तो इसको पकाएंगे हम, और अभी और पानी छोड़ेगा गुड़। शक्कर की भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन गुड़ की ये टेस्टी लगती है, शक्कर की इतनी स्वादिष्ट नहीं लगती है। इसकी थिकनिक देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी गुड़ की चाशनी रेडी है, और इसी तरीके से बनाना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा पतली। और मूंगफली और फुटाने के साथ हमने ली है एक कप तिल्ली भी दोस्तों। हम तीनों की एक नई रेसिपी बना रहे हैं, और ये रेडी है। सारे डालेंगे मूंगफली दाने हम, फुटाने भी डालेंगे, और तिल्ली भी मिक्स है जो डालेंगे। सारी को ऐड करेंगे, और अच्छे जल्दी हाथ जल्दी जल्दी टारेंगे, क्योंकि ये गुड़ की चाशनी है तो ये एकदम ठंडी जल्दी हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है, कड़क सा, तो इसलिए हम इसको टारेंगे। ये देखिए, ये एकदम नई मिठाई है दोस्तों, और ये बहुत टेस्टी है। इसका खाने में भी बहुत टेस्ट है, और स्वादिष्ट है, और हेल्दी भी है ये। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सारा गुड़, फुटाने और मूंगफली दाने तिल्ली में। ये देखिए, इसमें हमने गुड़ लिया था दोस्तों, उसी में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। इस तरीके से घी लगा लीजिए, या ऑयल भी लगा सकते हैं आप, हम गाय का घी लगा रहे हैं। तो हम इसमें डालेंगे ये हमारा मूंगफली तिल्ली फुटाने वाला पेस्ट बोल लीजिए, मिठाई बोल लीजिए, सारी को इसको निकालेंगे हम। दोस्तों मेरी चैनल पे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सपोर्ट करना मुझे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसको इस तरीके से जमा देंगे दोस्तों हम हल्के हाथों से, ये इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है।
इस तरीके से। और ये देखिए कितनी अच्छे, इसका लुक भी इतना अच्छा दिख रहा है ना, जितने अच्छे टेस्टी भी है उतनी ही यमी है। ये मिठाइयाँ आप ज़रूर ट्राई करिए, एकदम नई रेसिपी है दोस्तों, हमने पहली बार ही बनाया है इसको, मतलब हमारे घर पर तो हमेशा बना है लेकिन आप सबके लिए हमने पहली बार लेके आए हैं, हमारे घर हमेशा बनता रहता है ये। और दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, और वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करना। तो हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, इसको निकाल के भी बताएंगे दोस्तों, इसको हम 5 मिनट के लिए रखेंगे, ठंडी होगी तब इसको निकालेंगे हम। और ये दोस्तों हम निकालेंगे आराम आराम से घुमाते हुए हाथों से, निकल गई है सारी, इससे ऊंचा करो, आराम से, नरम है ना बहुत, ये देखिए इस तरीके से कितनी अच्छी जमी ना, और बहुत नरम है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। इस तरीके से हम सारी इसके फीस निकाल लेंगे, आप चाहे तो इसको बर्फी के कट में कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से अच्छी लगती है। तो दोस्तों आपने गुड़ पट्टी, तिल्ली पट्टी, मूंगफली पट्टी तो खाई होगी, आज फुटाने पट्टी हमने बनाई है मकर संक्रांति के उपलक्ष पर। तो आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए कितनी अच्छी बनी ना दोनों साइडों से, ये देखो, और ये देखो बहुत ही नरम है ये मुँह में जाते से ही घुल जाएगी दोस्तों, और इसका टेस्ट एकदम यूनिक है। तो आप भी अपने घर पर बनाइए, और मिलते हैं आप सबके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, नमस्ते।